स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक बधाई। आज ये अंदाज नहीं मिल रहा था कि बारिश होगी अथवा धूप निकलेगी। आज अच्छी धूप निकली है, चमकीली धूप निकली है, और धूप में शायद आप लोगों के लिए खड़ा होना भी कठिन हो रहा होगा, परंतु ध्वज को हमें उसकी सही जगह पे पहुंचाने के लिए उसको हमें ये रिस्पेक्ट देनी है। आज बस आप सबसे इतना ही हम कहेंगे कि आपको एक विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी भूमिका है आपको एक सभ्य नागरिक बनाने में, और शिक्षक ईश्वर द्वारा नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको नित्य प्रति नई शिक्षा, नई सोच और सरल भाषा में नई चीजें बताता है। शिक्षा की भूमिका कल के भारत के लिए बहुत अहम है। शिक्षक अपना काम करें और हम सब ये समझें कि हमें अपना अपना काम करना है, तभी भारत प्रगति के पथ पर अग्रेतर कदम उठाएगा। और ये भी मनन चिंतन करना है कि पिछले 75 वर्षों में हम लोगों ने कितनी प्रगति करी है और कहां पर हम चूक गए हैं। हमें चूकना नहीं है, हमें देश को आगे ले जाना है, हमें बच्चों को नित्य प्रति बहुत अच्छी तैयारी के साथ कल का एक बहुत सुसभ्य और संभ्रांत नागरिक बनाना है। उसके पास रोजगार परक शिक्षा हो, उसके पास और भी सारी तरह की जानकारियां हो, जिससे वो कल के भारत को संभाल सके। आज हम जो शिक्षक हैं, हम आज एक नींव की ईंट हैं, और नींव की ईंट को बरसों तक अपने ऊपर के सारी बिल्डिंग का, भवन का बोझ उठाना पड़ता है। तो कल के भारत का बोझ आज हमें उठाना है, और हम सब अपनी इस जिम्मेदारी को जानते हैं, और इसके लिए हम लोग सब कदम उठा रहे हैं। छात्र छात्राओं के बारे में हम रोज सोचते हैं कि कोविड के समय में ये बच्चे घर में हैं और शायद डिप्रेस्ड होंगे, और कैसे जब स्थिति सुधरे तो विश्वविद्यालय को खोला जाए। आज इस मंच से मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने अगर एक वैक्सीन लगवाया है तो दूसरा वैक्सीन भी लगवा लीजिए, और दोनों लगवा लिए हैं तो बूस्टर की भी तैयारी करिए, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वॉर है और हम लोग इस वॉर से जूझ रहे हैं, और इससे जूझने के लिए हमें सारे अस्त्र शस्त्र, जो बायोलॉजिकल अस्त्र शस्त्र हैं, वो वही वैक्सीनेशन है। सारे छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सब वैक्सीन लगवा लें, और स्थितियां ठीक रहेंगी तो विश्वविद्यालय को बहुत जल्दी खोला भी जाएगा और आप लोग पुनः कक्षाओं में लौटेंगे। आपके बगैर विश्वविद्यालय सूना है, विश्वविद्यालय में आप से ही जीवन है। आप और हम नहीं तो विश्वविद्यालय में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी लौटें अपनी कक्षाओं में, आप दोनों वैक्सीन लगवा के लौटें। सब छात्र छात्राओं के उपलक्ष में मैं एक छोटी सी कविता जयशंकर प्रसाद की आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कि आज के परिवेश में बिल्कुल सही बैठती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। सुभाड़ वाग्नी में जलो प्रवीर हो विजयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। वंदे मातरम। म्यूजिक विभाग से मैंने विशेष निवेदन किया था कि आज 15 अगस्त से संबंधित जो पुराने गीत हमारे लेखक लिख गए हैं, उनको हमारे साथ, हमारे समस्त लोगों के साथ साझा करें। और मैं देख रही हूँ कि पूरा म्यूजिक विभाग अपने अपने दायित्व पे
तत्परता से खड़ा हुआ है। धन्यवाद। निरीक्षण होता है।